दोस्तों जयपुर से जैसलमेर के रास्ते में हम रुके खाना खाने, और राजस्थान तो फेमस है मेहमान नवाजी के लिए और यहाँ का खाना भी उतने ज्यादा स्वादिष्ट है। खाना खाने में बहुत मजा आया और उससे ज्यादा मजा आया ये मशीन देखकर, जेसीबी की एक और मशीन आप वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों जयपुर से अभी हम 100 किलोमीटर भी नहीं चले हैं और हम 35-40 जेसीबी देख चुके हैं, और वो तो सिर्फ रोड के अगल बगल में ही मिली है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कितनी जेसीबी मशीन मिलती है। दोस्तों अभी हम जैसलमेर पहुंचने वाले हैं और 500 किलोमीटर से ज्यादा के सफर में हमें काफी जेसीबी मिली। अभी जैसलमेर में एंटर होने से पहले भी हमें एक जेसीबी मिली जो रोड के बगल में काम कर रही है, तो उसके मालिक भी हमें संयोग से यहाँ मिल गए हैं। उनसे बात करते हैं कि जेसीबी उनने कब ली और उनकी कहानी क्या है जेसीबी के साथ। राम राम। राम राम। नाम क्या है सर? नाम रूपा राम है साहब। अच्छा, ये मशीन आपकी चल रही है? हाँ। तो आपके पास ये एक ही मशीन है? हाँ, छोटा छोटा हजन तो बहुत है, बाकी ये बड़ा हूँ, ये एक है। तो ये मशीन कब लिया आपने? वो सर 3-4 महीना हो गया। कैसी चल रही है मशीन? बहुत मजा आया। अच्छा, और ये काम क्या चल रहा है? काम ये पाइपलाइन का बहुत चल रहा है। तो ये पानी के लिए जा रहा है? हाँ। कहाँ से कहाँ के लिए जा रही है? वो जा रहा है लक्ष्मण नगर से। अब ये कितना दिन हो गया यहाँ पे काम करते हुए? सर काफी दिन हो गया। और अभी कितना और चलेगा? बहुत लंबा काम है। मतलब जेसीबी को आपका मतलब अच्छा काम मिल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा था। और इसका मेंटेनेंस कैसा है अभी? जैसे आपकी मशीन तो नई है। मेंटेनेंस तो है ही नहीं कुछ, कभी बढ़िया आया है इसका तो। लागत वागत कैसी है? नहीं कुछ की नहीं, अभी तो नया है। लागत कम है, कमाई अच्छी है? अभी कमाई अच्छी है। और आपको मतलब ये सोचा कैसे एक जेसीबी लूं? हाँ, मेरे सर ऐसी सोचा कि एक दो और ले लूं तो बढ़िया रहे। हम तो वो दुआ करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी और खरीदे, लेकिन पहली खरीदी है तो क्या सोच के खरीदा? कोई देखा भाई उसके पास है वो अच्छा करना? तो विचार करियो, देखा मेरे को दिमाग में कैसा गए भाग्य सा गए ऐसा पिता लिया। अभी जो कुछ इनकी इनकम आती है ना, तब ऐसी सस्ती है कि एक दो और के डालेंगे दबा दब। बिल्कुल, आपको अगर जेसीबी पर भरोसा है तो ये भरोसा रखिए। काफी लोग हमें ऐसे मिले हैं, एक मशीन खरीदी उसने दूसरी तीसरी 10-10, 20-20 मशीन है, तो हम भी ये दुआ करते हैं आप भी जल्दी दूसरी लो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। तो अभी कौन इसको चलाता है? वो हमारा लड़का चलाते है। अच्छा, और इनके साथ ट्रैक्टर भी आपके चलते हैं? हाँ, ट्रैक्टर भी चलते हैं। पूरी टीम आपकी है? हाँ, ये भी लड़का मेरा भी है। अच्छा, एक लड़के हैं जो इसमें साथ, तीनों बाप बेटे इसमें काम करते हैं? हाँ, करते हैं। तो पूरा परिवार ही शामिल है? हाँ, शामिल है। अभी तीन है, तीनों भी विचार करते हैं कि एक एक तीन के डालेंगे, सबकी तीनों अलग अलग कर लेंगे। ठीक है रूपा राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों ये थे रूपा राम जी, जिनका पूरा परिवार जेसीबी के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी मशीन है वो इसके साथ काम करते हैं, और उन्हें अभी ये मशीन ली है और उनको ये उम्मीद है कि इसकी कमाई से वो जल्दी और भी मशीन लेंगे, और उनका सपना है कि जेसीबी के साथ लगातार आगे बढ़ते रहें। अब चलते हैं जैसलमेर की तरफ और देखते हैं कोई नई कहानी।